तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान निकल शानदार 33 दिन कंप्लीट करके आज 34वें दिन में एंट्री मार ली है। तो आज बात करेंगे जवान ने अभी तक कितनी कमाई कर ली। देखो वर्किंग डेज स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट जो सैटरडे संडे गुजरा, मतलब जो फिफ्थ सैटरडे था और फिफ्थ संडे था, जो जबरदस्त कमाई करी थी यहाँ पर। पहली बात तो ये कि यहाँ तक आ पाना ही बड़ी बहुत बड़ी बात होती है किसी भी मूवीज़ के लिए, और जवान ने इतना लंबा सफ़र तय किया है, और वो भी सिर्फ अकेले नहीं, सिंगल स्क्रीन्स में बिल्कुल नहीं, लगातार कंपटीशन मिलते रहा था। गदर 2 पहले से ही चल रही थी, इसके बाद और भी मूवीज़ नई ताज़ी अभी रिलीज़ हुई हैं। हाँ, मिशन रानीगंज के आने के बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ में डिप देखने को मिल गया, और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस ने मूवी देख भी ली है, तो अब यहाँ पर दोबारा से और कोई मूवी देखने जा भी रहा है नहीं जा रहा है, आई डोंट नो, बट बची कुछ ही ऑडियंस है वही जा रही है, इस वजह से डिप देखने को मिल रही है। वर्किंग डेज में बहुत कमाई स्लो होते नज़र आ रही है। कल मंडे वर्किंग डेज से हमें पूरा पता लग गया, आंकड़ा पूरा सामने आ रहा है कि कितनी ज़्यादा ये डिप खा चुकी है मूवी। तो अभी बात करते हैं जवान ने और कितनी कमाई कर ली है, कल का दिन कैसा रहा, आज का दिन कैसा चल रहा है, टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन ये मूवी कितना कर सकती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अटली कुमार के डायरेक्शन में मात्र 300 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनने वाली जवान, जिसके मेन लीड पर आपको दगिंग खान, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। स्टार कास्ट अमेजिंग, स्टोरी लाइन एंड कॉन्टेंट इज सुपर अमेजिंग। साउथ के डायरेक्टर हैं तो साउथ का तड़का देखने को मिला, और वही जबरदस्त भी लगा, मजेदार भी लगा। तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करते हैं, पहला हफ्ता शानदार तरीके से कंप्लीट करते हुए, लेकिन उससे पहले आपको फर्स्ट डे की कमाई बताऊंगा। फर्स्ट डे में 130 करोड़ पूरी दुनिया से आ चुका था, और पहले तीन दिन में ही 205 करोड़ का नेट इंडियन कलेक्शन हो चुका था। चौथे दिन सिंगल डे में ह्यूज कलेक्शन किया है, आज तक इतिहास में ऐसी कोई भी मूवी नहीं आई जिसने हिंदी से 71 करोड़ की भारी भरकम कमाई अपने खाते में ले रखी हो। इसके साथ जब पहला हफ्ता कंप्लीट किया तो फर्स्ट वीक में टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 369 करोड़ हो चुका था, और पूरी दुनिया से मूवी 660 करोड़ के आंकड़े को टच कर चुकी थी। पहले 10 दिन में 396 करोड़ सिर्फ हिंदी से हो चुका था, और पूरी दुनिया से ये मूवी 812 करोड़ के आंकड़े को टच कर चुकी थी। इसी के साथ दो हफ्ते जब शानदार तरीके से कंप्लीट किए मूवी ने, तो सिर्फ हिंदी से ये मूवी पहले दो हफ्तों में ही 466 करोड़ के आंकड़े को अपने खाते में रख लिया था, जिसने ब्रह्मास्त्र के लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन को खदेड़ दिया था सिर्फ अपने हिंदी कलेक्शन से। और यहाँ तक पूरी दुनिया से ये मूवी दो हफ्ते में 922 करोड़ के आंकड़े को टच कर चुकी थी। 20वें दिन तक आते आते ये मूवी जबरदस्त तरीके से कमाई तो कर ही रही थी, बीच में अप एंड डाउन देखने को मिल रहा था, कभी ग्रोथ स्लो हो रही थी, कभी ग्रोथ हाई हो रही थी, क्योंकि वर्किंग डेज चल रहे थे, उसके साथ साथ बीच में हॉलीडेज भी मिल रहे थे, तो वहाँ पर जबरदस्त कमाई देखने को मिल रही थी। और यहाँ तक द ग्रेट इंडियन फैमिली मूवी ने काफ़ी सोच अपने खाते में ले लिए थे, लेकिन जवान की जो इस टाइम रेज चल रही थी बहुत ज़बरदस्त चल रही थी, मतलब तबाही मचा रहा था, इस वजह से द ग्रेट इंडियन फैमिली को ये खदेड़ चुका था। लेकिन फुकरे 3 और मिशन रानीगंज तक आते आते ये मूवी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, इस वजह से ये दो मूवियाँ हैं इसके काफ़ी सोच अपने खाते में ले चुकी है। वरना अगर ये मूवी मिशन रानीगंज, फुकरे 3 अगर जवान के 16वें या 17वें या 15वें दिन के आसपास ही आ जाती, बाय गॉड कोई भी कलेक्शन इनके हाथ आने ही नहीं थी, जबरदस्त तरीके से रौंदते हुए आगे बढ़ती। वहीं 21, 22वें और 23वें दिन में भी जबरदस्त ग्रोथ करते नजर आई, और पहले 25 दिन में ही ये मूवी टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 607 करोड़ कर चुकी थी, और पूरी दुनिया से 1082 करोड़ के आंकड़े को अपने खाते में रख चुकी थी। 29 दिन की बात करें तो 29 दिन में आते आते मूवी हिंदी से 560 करोड़ आ चुका था, और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 619 करोड़, ग्रॉस से 733 करोड़ आ चुका था, और 369 करोड़ ओवरसीज से आ चुका था, और ये मूवी 1100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार चुकी थी अपने 29वें दिन तक आते आते, जो कि एक ह्यूज ग्लोरी है, ह्यूज सक्सेस है, जबरदस्त तरीके सक्सेस है। डे 31 की मैं बात करूँ, फिफ्थ सैटरडे की, तो यहां से बहुत ही अच्छी कमाई करते नजर आई थी, जबकि यहां पर फुकरे 3 अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी, मिशन रानीगंज मूवी यहां पर आ चुकी थी, तो बहुत सी ये दो जो बड़ी बड़ी मूवी थी इन्होंने काफ़ी सोच अपने खाते में ले लिए थे। तो सैटरडे का दिन जबरदस्त रहा, टोटल कलेक्शन सिर्फ हिंदी से यहाँ तक 563 करोड़ कर चुकी थी, और पूरी दुनिया से मूवी 1108 करोड़ के क्लब में एंट्री मार चुकी थी 31वें दिन तक, मतलब फिफ्थ सैटरडे तक। बात करें 32वें दिन यानी संडे, परसों कैसी ग्रोथ रही, अमेजिंग ग्रोथ रही, संडे का फुल फायदा उठाया, नेट इंडियन कलेक्शन हो चुका था 626 करोड़ तक संडे एंड ऑफ द डे तक। वही ग्रॉस इंडियन कलेक्शन
फिफ्थ संडे एंड ऑफ द डे तक मतलब 32वें दिन में 741 करोड़ हो चुका था और ओवरसीज से 376 करोड़ का ह्यूज मार्वलस आंकड़ा अपने खाते में रख चुकी थी। पठान के एक रिकॉर्ड को तोड़ना और बाकी है, बाकी पठान के सारे रिकॉर्ड ये मूवी तोड़ चुकी है। सिंगल डे में ह्यूज कलेक्शन के मामले में, फास्टेस्ट ग्रॉसिंग के मामले में, फास्टेस्ट 500 करोड़ कंप्लीट करने के मामले में, हिंदी से लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में आगे, नेट इंडियन कलेक्शन में आगे, बट ओवरसीज से पठान 400 करोड़ के अराउंड आंकड़ा लेकर आई थी और वो आंकड़ा अभी इसे टच करना बाकी है। मे बी मुश्किल है 19-20 तारीख को साउथ की मोस्ट मच अवेटेड मूवी लियो और गणपत नॉर्थ बेल्ट की अगर मूवी आ जाती है तो यहाँ पर अब कमाई कर पाना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ओवरसीज से मैं कह रहा हूँ ये एक बार के लिए 400 करोड़ इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे लेकिन मुश्किल है, बट हु नोज, ये मूवी अगर 45 से 50 दिन थिएटर हाउस में टिक गई तो 400 करोड़ भी ये अपने खाते में ले आएगी ओवरसीज से। तो 32वें दिन तक मैं बताऊं तो पूरी दुनिया से कलेक्शन हो चुका था 1117 करोड़, ह्यूज कलेक्शन। बात करें कल यानी फिफ्थ मंडे की यानी 33वें दिन की, तो कल वर्किंग डे था, कमाई स्लो ही देखने को मिली, तो कल हिंदी से अराउंड 1.20 करोड़ का कलेक्शन आया जिसमें से टोटल नेट इंडियन कलेक्शन तीनों लैंग्वेज को मिलाकर कल आया है 1.25 करोड़ का, ह्यूज कलेक्शन मैं कहूँगा। इस टाइम पर भी ज़बरदस्त कलेक्शन आ रहा है क्योंकि साउथ में स्कंदा मूवी चल रही है और नॉर्थ बेल्ट में, हिंदी बेल्ट में ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है और वर्किंग डेज में भी 1 करोड़ के ऊपर कलेक्शन ला पाना, वो भी 33वें दिन तक आते आते, भाई बहुत बड़ी बात होती है। आपके कंटेंट में दम है, आपकी फैन फॉलोइंग में दम है, तभी ये सब हो पाता है और ये चीज़ प्रूफ होते नज़र आ रही है। ह्यूज ग्रोथ इसी के साथ टोटल हिंदी से हो चुका है 567 करोड़ और नेट कलेक्शन हो चुका है 627 करोड़ तीनों लैंग्वेज को मिलाकर कल एंड ऑफ द डे तक। ग्रॉस रहा 1.8 करोड़ का और पूरी दुनिया से मूवी 2.5 करोड़ कलेक्शन करते नजर आई है। तो पहले 33 दिन तक ग्रॉस कलेक्शन हो चुका था 743 करोड़ का, ओवरसीज से हो चुका था 377 करोड़ के आसपास और पूरी दुनिया से ये कल पहले 33 दिन में ही 1120 करोड़ के ह्यूज एंड मार्वलस आंकड़े को अपने खाते में रख चुकी थी। बात करें आज यानी 34वें दिन यानी आज ट्यूजडे वर्किंग डे है और आज भी वर्किंग डे है, तो आज की ग्रोथ कैसी देखने को मिल रही है, आज भी ड्रिप देखने को मिल रही है, लेकिन वही चीज़ ना, मिशन रानी और फुकरे 3 बहुत जबरदस्त तरीके से इसके सोच अपने खाते में ले चुके हैं, इनसे सोच छीन चुके हैं। लेकिन मैं फिर बताऊं तो यहां तक आते आते ये मूवी जवान बहुत जबरदस्त टक्कर दे रही है। वही चीज अगर ये 20वें दिन में अगर आ जाती ना तो ये फिल्में दोनों पिट जाती जैसे द ग्रेट इंडियन फैमिली विकी कौशल की पिट चुकी है शायद, क्योंकि इतनी कमाई नहीं, इतना बोलबाला उसका देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि यश राज फिल्म्स जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस का हाथ है उसके ऊपर, फिर भी कुछ ना उखाड़ पाई जवान के सामने, शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग के सामने। तो वही चीज़ ना, आज की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी अगर मैं बताऊं, लेकिन यही चीज़ की टक्कर बहुत सॉलिड दे रही है, बहुत ज़बरदस्त टक्कर दे रही है। 1 करोड़ की कमाई भी कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है वर्किंग डेज में और सामने इतनी ज़्यादा कंपटीशन हो उसके बावजूद, लेकिन जवान वो मुमकिन करके दिखा रही है। तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आज की है 8 से 10% की, जिसमें से लगभग नेट इंडियन कलेक्शन 1.10 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जिसमें से सिर्फ हिंदी से 1 करोड़ की कमाई करते नजर आ रही है और पूरी दुनिया से मूवी 2 करोड़ की कलेक्शन करते नजर आ रही है। इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 34 दिन में ही आज एंड ऑफ द डे तक 568 करोड़ का मार्वलस आंकड़ा अपने नाम कर लेगी। साथ में 34 ही दिनों में एंड ऑफ द डे तक टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 627 करोड़ हो जाएगा और पूरी दुनिया से ये मूवी 1122 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी, जो कि ह्यूज कलेक्शन है, मार्वलस आंकड़ा है। तो 1150 करोड़ देखा जाए तो इतना दूर नहीं लग रहा है। हाँ, अगर 19 और 20 तारीख के आस से पहले ये 1100 करोड़ कंप्लीट कर जाती है तो यस, इस ग्लोरी को भी अपने नाम ले जाएगी, इस हिस्ट्री मेकिंग परफॉर्मेंस को भी अपने खाते में रख लेगी, वरना 19 और 20 तारीख के बाद मुझे नहीं लगता कि ये मूवी इतनी ज़्यादा टिक जाएगी, टिकेगी, चलेगी, लेकिन करोड़ों में कलेक्शन नहीं आ पाएगी, बहुत स्लो रफ्तार में आगे बढ़ेगी। तो 1150 करोड़ बनता है इसका।